चलिए दोस्तों इस मैथ को सॉल्व करते हैं। तो 2a + 5b का वैल्यू इतना है और ab का वैल्यू उतना है, तो हम लोगों को इसका वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 2a + 5b इसको लिख लिए। अब क्या करेंगे, इधर क्या है 12 है, तो इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर। स्क्वायर करने से क्या होगा, अब स्क्वायर करने से फार्मूला लिख रहे हैं, a² का वैल्यू कितना है 4a² प्लस b² का कितना होगा 25, b² प्लस 2ab आएगा ना, तो प्लस आएगा 2a। अब 2b कितना होगा, 5b है ना, 2ab कितना आएगा 12² 144। 12² कितना आएगा 144। अब क्या करेंगे हम लोग, 4a² इसको नीचे है तो नीचे लिख देंगे 4a² प्लस 25b², 2 × 4 4 × 5 = 20, तो प्लस 20, a और b गुना होंगे तो ab, इधर कितना आएगा 144, यही आएगा ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 4a² प्लस 25b² प्लस, देखिए ab का वैल्यू ऊपर दिया है 3, तो 20 से 3 गुना होगा तो कितना आएगा 60, इधर कितना है 144। अब हम लोग क्या करेंगे, 4a² प्लस 25b² इजल टू 144 माइनस 60, 60 को हम लोग उस पर ले गए तो कितना आएगा 84। कितना है, यही एग्ज़ाम में पूछा है 4a² प्लस 25b², इसका ही वैल्यू पूछा है, तो इसका वैल्यू कितना है 84, जो ऑप्शन सी में है। चलिए दोस्तों मिलते हैं और एक नया वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।